राजधानी लखनऊ में समग्र शिक्षा अभियान की ओर से मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे लखनऊ मंडल जेडी माध्यमिक सुरेंद्र तिवारी, जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार, डीआईओएस 2 दिनेश कुमार सिंह राठौर, डीडीआर ओपी मिश्रा और सह जिला विद्यालय निरीक्षक रीता सिंह भी बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा देखकर हैरान रह गई। इस प्रदर्शनी में राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर से आए कक्षा 11 के छात्र अंकित कुमार ने वैकल्पिक ऊर्जा के तहत आग से विद्युत उत्पादन का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे जेडी सुरेंद्र कुमार तिवारी ने जमकर सराहा। वहीं दूसरी ओर रायबरेली से आई कक्षा 12 की छात्रा अवनी पटेल की ओर से खेल में गणित और गणित में खेल प्रोजेक्ट तहत प्रस्तुत गणित को देखकर जेडी माध्यमिक भी उलझ गए। बता दें कि रमसा की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में लखनऊ मंडल के 6 जनपदों सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और लखनऊ जनपद से जूनियर संवर्ग में 13 मॉडल्स, सीनियर संवर्ग में 17 मॉडल्स के साथ कुल 30 मॉडल्स के साथ कुल 40 छात्र छात्राओं और उनके 30 विज्ञान गाइड शिक्षक शिक्षिकाओं ने वैज्ञानिक मॉडलों को प्रस्तुत करते हुए प्रतिभाग किया। प्रदर्शनी आयोजन में निर्णायक के रूप में सीडीआरआई लखनऊ की सीनियर साइंटिस्ट डॉ ऋचा पांडे, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ एच के द्विवेदी और जनता इंटर कॉलेज आलमबाग लखनऊ के जीव विज्ञान प्रवक्ता पवन कुमार ने एक एक मॉडल का बारीकी से अवलोकन करते हुए मूल्यांकन किया। साथ ही सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं के उनके मॉडल्स के सामाजिक उपयोग के बारे में बताया और इन मॉडल्स से आगे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो भी बताया। मंडली विज्ञान प्रतियोगिता के आज इस कार्यक्रम में यहाँ मंडल के सभी 6 जिलों के प्रतिभागियों ने अपना मॉडल प्रदर्शित किया है। ये मॉडल विभिन्न विषयों से संबंधित हैं, चाहे पर्यावरण से संबंधित हों, चाहे परिवहन की नई तकनीक से संबंधित हों, या इको ग्रीन से संबंधित हों, सुरक्षित शहर से संबंधित हों, और बच्चों ने बहुत ही नवाचारी मॉडल प्रस्तुत किए हैं जिसके माध्यम से उनकी वैज्ञानिक सोच का पता चलता है। और एक दूसरे के मॉडल देख करके बच्चे आज यहाँ प्रेरित हुए हैं और इनके मॉडल और जो इनकी वैज्ञानिक सोच है निश्चित रूप से एक सुरक्षित भविष्य की ओर, एक सुरक्षित पर्यावरण की ओर हमें ले जाने में मदद करेगी।